हेलो देयर, वेलकम बैक टू फोक एंड फ्लेम। और अगर आप पास्ता लवर हैं तो ये रेसिपी आपके लिए होने वाली है। बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी है। तो आज जो रेसिपी आपके से शेयर करने लगी हूँ वो है क्रीमी ब्रोकली पास्ता विद सॉसेजेस। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पानी में मैं नमक और 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। पानी को अच्छे से बॉयल आने के बाद उसमें मैं 2 कप पास्ता शामिल करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप ब्रोकली। ब्रोकली को पानी में 1 से 2 मिनट के लिए बस बॉयल देंगे। पास्ता में भी कसर बाकी है तो इसीलिए ब्रोकली जो है वो मैं पहले ही निकाल लूँगी। ब्रोकली को ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना एक तो उसका कलर फेड हो जाएगा, दूसरा उसकी क्रंचीनेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। पास्ता 70% बॉयल हो चुका है तो उसको भी मैं निकाल लूँगी। यहाँ एक पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें मैं 1/2 कप अनियन ऐड करूँगी। ओके, तो यहाँ पे अनियन ने अपना कलर जैसे ही चेंज किया तो उसमें मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। उसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लूँगी। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 कप स्पिनच लीव्स और उनको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। लीव्स अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसमें मैं 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 चिकन क्यूब और अगर आपके पास चिकन ब्रोथ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही क्यूब को अच्छे से मैश कर लेंगे। और यहाँ एक टिप देती चलूँ कि जो सॉल्ट हमने ऐड किया था वो थोड़ा क्वांटिटी में करेंगे अगर आप इसमें चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं तो, क्योंकि चिकन क्यूब में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। क्रीम का मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें बॉयल पास्ता और ब्रोकली ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मुझे थोड़ी सी कसर लग रही है तो इसलिए मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी के शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे पास्ता रेडी हो चुका है तो इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। यह एक सेपरेट पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और उसको अच्छे से हीट अप कर लेने के बाद उसमें 5 से 6 सॉसेज ऐड करूँगी और उनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। पास्ता रेडी हो चुका है और अब इसको डिश आउट करेंगे। लेयरिंग इसकी प्रिपेयर सॉसेज से करेंगे और गार्निश करेंगे इसको
फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स से। और थोड़ी सी ग्रेटेड चीज। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।